सुषमा स्वराज खामोशी के साथ दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। आज हर किसी की आंखें नम हैं। शांति से लेटी सुषमा के दम को पूरी दुनिया ने देखा है। देश के लिए सुषमा का समर्पण और काम को लेकर उनका जुझारूपन अंतिम वक्त में भी देखने को मिला। हार्ट अटैक आने से करीब 15 मिनट पहले सुषमा ने अंतरराष्ट्रीय अदालत में पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाने वाले भारतीय वकील हरीश सालवे से बात की और कुलभूषण केस की फीस 1 रुपए देने के लिए बुलाया, जिस बात का खुलासा खुद सालवे ने किया है। यादव केस तो पूरा था ही उनका ब्रेन चाइल्ड। जब ये शुरू हुआ उनको किसी ने कहा कि कुछ करो और उन्होंने शायद मेरा टीवी में इंटरव्यू सुना तो मेरे को फोन किया, बुलाया उन्होंने, वियना कन्वेंशन की बात की और कोई एक कागज उस केस में नहीं फाइल किया गया जो उन्होंने देखा ना। सब खुद देखती थी, सब खुद डिस्कस करती थी, बड़े वैल्यूएबल सजेशंस करती थी, हर चीज़ फॉलो करती थी। जिस दिन मैं बहस करने गया सुबह फ़ोन करके आशीर्वाद दिया मुझे, जब बहस ख़त्म हुआ तो फ़ोन करके मुझे बधाई दी उन्होंने और ख़ुद वो जाके प्राइम मिनिस्टर से हर चीज़ क्लियर करा के लाती थी। ये पूरा, इसलिए मैंने तो पहले इंटरव्यू में कहा कि इसका पूरा क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर को और सुषमा जी को जाता है। सालवे के मुताबिक सुषमा से उनकी करीब 9:45 बजे बात हुई, वहीं 9 बजे सुषमा जी को हार्ट अटैक आया। आपको बता दें कि पाकिस्तान की जेल में सजा काट रहे कुलभूषण का केस जब भारत ने अंतर्राष्ट्रीय अदालत में उठाया तो सालवे भारत की ओर से वकील थे और उन्होंने 1 रुपए फीस मांगी थी, जिसका सुषमा ने जिक्र किया। हरीश सालवे देश के उद्योगपतियों और बड़ी बड़ी कंपनियों का केस लड़ चुके हैं। मुकेश और अनिल अंबानी के बीच गैस को लेकर हुए विवाद में हरीश सालवे ने मुकेश अंबानी की ओर से केस लड़ा था। 2012 में हरीश सालवे ने वोडाफोन को सरकार के खिलाफ 1,000 करोड़ का टैक्स केस जिताने में मदद की। नीरा राडिया केस में रतन टाटा के लिए हरीश सालवे ने केस लड़ा था। सुषमा स्वराज के कहने पर ही वो कुलभूषण जाधव का केस लड़ने को तैयार हुए थे। देश के पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश सालवे आज देश के सबसे महंगे वकील हैं। न्यूज मैगजीन इंडिया टुडे ने हरीश सालवे को 2017 के 50 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में 43वें नंबर पर जगह दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी एक दिन की फीस 30 लाख रुपए है। केस खत्म होने तक उनका बिल करोड़ों में पहुंच जाता है। देश के महंगे वकील होने के साथ साथ सालवे दुनिया के टॉप 10 सबसे महंगे वकीलों में शुमार है। तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच फॉरेस्ट मामले में सालवे ने 60 करोड़ तक फीस वसूल की थी। इतना बड़ा वजूद होने के बाद भी हरीश सालवे सिर्फ 1 रुपए में कुलदीप जाधव का केस लड़ रहे हैं, उसके पीछे की वजह सुषमा ही थी। सुषमा ने अपना पूरा जनजीवन सेवा के लिए समर्पित कर दिया। विदेश मंत्री रहते उन्होंने विदेश में फंसे हजारों लोगों की मदद की। इन्हीं सब वजहों से सुषमा को मदर इंडिया कहा जाता है। आज ये मदर इंडिया सबको छोड़कर चली गई, लेकिन उनकी यादें हमेशा जीवित रहेंगी। हिंदुस्तान के करोड़ों दिलों में सुषमा सदियों तक धड़कती रहेंगी।